नमस्कार, ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था के इस अंश में हम केंद्रीय सूचना आयोग यानी सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना वर्ष 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत शासकीय राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से की गई थी। इस प्रकार यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। केंद्रीय सूचना आयोग एक उच्च प्राधिकारी युक्त स्वतंत्र निकाय है जो इसमें दर्ज शिकायतों की जांच करता है एवं उनका निराकरण करता है। यह केंद्र सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत कार्यालयों, वित्तीय संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के बारे में शिकायतों एवं अपीलों की सुनवाई करता है। केंद्रीय सूचना आयोग की संरचना। इस आयोग में एक मुख्य आयुक्त एवं सूचना आयुक्त होता है जिसकी संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसमें प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता एवं प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एवं कैबिनेट मंत्री होता है। इस आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य बनने वाले सदस्यों में सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। उन्हें विधि, विज्ञान एवं तकनीकी, सामाजिक जीवन, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार या प्रशासन आदि का विशिष्ट अनुभव होना चाहिए। उन्हें संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। वे किसी राजनैतिक दल से संबंधित कोई लाभ का पद धारण ना करते हों तथा वे कोई लाभ का व्यापार या उद्यम भी ना करते हों। कार्यकाल एवं सेवा शर्तें। मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्त 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु दोनों में से जो पहले हो तब तक पद पर बने रह सकते हैं। वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते। राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों को निम्न प्रकार से हटा सकता है, यदि वे दिवालिया हो गए हों या उन्हें नैतिक चरित्रहीनता के आधार पर अपराध से संबंधित दोष करार दिया गया हो, यदि वे अपने कार्यालय के दौरान किसी अन्य लाभ के पद पर कार्य कर रहे हों, यदि वे शारीरिक या मानसिक रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ हों, यदि वे ऐसे लाभ को प्राप्त करते हुए पाए जाते हैं जिससे उनका कार्य या निष्पक्षता प्रभावित होती है। इसके अलावा राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर भी पद से हटा सकता है। हालांकि इन मामलों में राष्ट्रपति मामले को जांच के लिए उच्चतम न्यायालय के पास भेजता है तथा यदि उच्चतम न्यायालय जांच के उपरांत मामले को सही पाता है तो वह राष्ट्रपति को इस बारे में सलाह देता है। उसके उपरांत राष्ट्रपति अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को पद से हटा सकता है। मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन, भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान होती है। इस प्रकार अन्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें निर्वाचन आयुक्त के समान होती है। उनके सेवा काल में उनके वेतन, भत्तों एवं अन्य सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। केंद्रीय सूचना आयोग की शक्तियां एवं कार्य। केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य एवं शक्तियां। आयोग का दायित्व है कि वह किसी व्यक्ति से प्राप्त निम्न जानकारियां एवं शिकायतों का निराकरण करे। जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति न होने के कारण किसी सूचना को प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा हो, उसे चाही गई जानकारी देने से मना कर दिया हो, उसे चाही गई जानकारी निर्धारित समय में प्राप्त ना हो पाई हो, यदि उसे लगता हो कि सूचना के एवज में मांगी फीस सही नहीं है, यदि उसे लगता है कि उसके द्वारा मांगी गई सूचना अपर्याप्त, झूठी या भ्रामक है तथा सूचना प्राप्ति से संबंधित कोई अन्य मामला, यदि किसी ठोस आधार पर कोई मामला प्राप्त होता है तो आयोग ऐसे मामले की जांच का आदेश दे सकता है। जांच करते समय निम्न मामलों के संबंध में जांच करते समय
निम्न मामलों के संबंध में आयोग को दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं। वह किसी व्यक्ति को प्रस्तुत होने एवं उस पर दबाव डालने के लिए सम्मान जारी कर सकता है तथा मौखिक या लिखित रूप से शपथ के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत का आदेश दे सकता है। किसी दस्तावेज को मंगाना एवं उसकी जांच करना, शपथ पत्र के रूप में साक्ष्य प्राप्त करना, किसी न्यायालय या कार्यालय से सार्वजनिक दस्तावेज को मंगाना, किसी गवाह या दस्तावेज की जांच करने के लिए सम्मान जारी करना या कोई अन्य मामला जो निर्दिष्ट किया जाए। शिकायत की जांच करते समय आयोग को लोक प्राधिकारी को नियंत्रणाधीन किसी दस्तावेज या रिकॉर्ड की जांच कर सकता है तथा इस रिकॉर्ड को किसी भी आधार पर प्रस्तुत करने से इनकार किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में जांच के समय सभी सार्वजनिक दस्तावेज को आयोग के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। आयोग को यह शक्ति प्राप्त है कि वह लोक प्राधिकारी के अपने निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करे। इसमें निम्न है, किसी विशेष रूप में सूचना तक पहुँचना। जहाँ कोई भी जन सूचना अधिकारी नहीं है वहाँ ऐसे अधिकारी की नियुक्ति का आदेश देना। सूचनाओं के प्रकार या किसी सूचना का प्रकाशन, रिकॉर्ड के प्रबंधन, रखरखाव एवं विनिष्टीकरण की रीतियों में किसी प्रकार का आवश्यक परिवर्तन, सूचना के अधिकार के बारे में प्रशिक्षण की व्यवस्था। इस अधिनियम के अनुपालन के संदर्भ में लोक प्राधिकारी से वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त करना, आवेदन द्वारा चाही गई जानकारी के ना मिलने पर या उसे क्षति होने पर लोक प्राधिकारी को उसका मुआवजा देने का आदेश करना, इस अधिनियम के अंतर्गत अर्थदंड लगाना, किसी याचिका को अस्वीकार करना। इस अधिकार से क्रियान्वय के संदर्भ में आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन केंद्र सरकार को प्रस्तुत करता है। केंद्र सरकार इस आवेदन को दोनों सदनों के पटल पर रखता है। जब कोई लोक प्राधिकारी इस अधिनियम का पालन नहीं करता तो आयोग इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर सकता है, ऐसे कदम उठा सकता है कि जो इस अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करे।